बच्चों यहाँ पर हम लोग नॉर्थ माउंटेन वॉल यानी हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिमालय के रेंज, द हिमालयस आर डिवाइडेड इनटू थ्री पैरेलल रेंजेस, जिनका नाम है ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते हैं, लेसर हिमालय जिसको हिमाचल बोलते हैं, लोअर हिमालय जिसको शिवालिक बोलते हैं। ग्रेटर हिमालय, द ग्रेटर हिमालय आर ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। It is the northernmost and the highest range of the Himalayas, having average height of 6,000 meter. Mountain peaks in this region are always covered with snow. यहाँ के जो पहाड़ हैं, जो चोटियाँ हैं, वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। Some important peaks in Himadri range: Mount Everest है, Kanchenjunga है, Nanda Devi है, Naga पर्वत है। Glacier, glacier क्या होता है? Glacier is a slowly moving mass of ice. धीरे धीरे बढ़ने वाला, ये देखो ग्लेशियर की फोटो दिखा रहा है, साइशिन ग्लेशियर। इट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड लोकेटेड इन हिमालयस। देखो हमारे जवान किस तरीके से यहाँ बैठ करके कसरत कर रहे हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। ग्लेशियर्स आर द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ हिमालयन रिवर्स। मेनी रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ हिमालयस। रिवर गंगा जो है वो गंगोत्री से ओरिजिनेट करती है और यमुना जो है वो यमुनोत्री से। ये सारे ग्लेशियर्स के नाम है। लाइफ ऑफ पीपल, दिस एरिया इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ इंसानों की घनी आबादी वाली बस्तियां नहीं हो सकती है, एज द टेम्परेचर रिमेंस वेरी लो, क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत कम रहता है। वेजिटेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस रीजन ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर, और ना के बराबर पेड़ पौधे उगते हैं। The Lesser Himalayas or the Himachal Range. The Lesser Himalayas or the Himachal Range lies to the south of Himadri Range and it has an average height of 3700 meter to 4500 meter. 3700 meter से लेकर के 4500 meter इसकी ऊंचाई है। It lies between Himadri and Shivalik Range. Himadri और Shivalik Range के बीच में है। The range has many beautiful hill station. बहुत सारे hill station है यहाँ पे, लाइक नैनीताल, शिमला, मसूरी, ये सब। मुझे लगता है आप लोगों में से कुछ लोग तो यहाँ गए भी होंगे। पीपल लव टू विजिट दिस हिल स्टेशन इन द समर सीजन। गर्मियों के टाइम में लोग यहाँ जाते हैं, मौसम थोड़ा क्लाइमेट चेंज करने के लिए, वेदर चेंज करने के लिए और इंजॉय करने के लिए और गर्मियों से बचने के लिए। वैली, द लो लाइंग एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स। सम वैली सच लाइक हिमाचल रेंज आर कश्मीर, कुल्लू, कांगड़ा, ये सारे वैलीज हैं। देख रहे हो दोनों तरफ पहाड़ है और पहाड़ के बीच में ये लो लाइंग एरिया है और यही जो है ये वैली रीजन है। वैली में लोग बाग बसे हुए हैं। माउंटेन पास, माउंटेन पास इज अ नेविगेबल रूट थ्रू माउंटेन रेंज। रोहतांग पास इज द हाईएस्ट माउंटेन पास इन दिस रेंज, है ना। पहाड़ के बीच में ये रास्ता बना हुआ है ऐसा बहुत सारा, और इसके लिए लाव वर्ड यूज होता है, खारदुंगला, शिपकिला, नाथुला, जोजिला, ये सब दर्रों के नाम आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे। लाइफ ऑफ पीपल, द रेंज हैज कोल्ड विंटर्स एंड माइल्ड समर्स। ठंड बहुत ज्यादा है और गर्मी भी जो है तो बहुत तीखी गर्मी नहीं पड़ती है। द स्लोप्स ऑफ दिस रीजन इज यूज फॉर टेरेस फार्मिंग, स्टेप फार्मिंग करते हैं। द रेंज हैज थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, ओक एंड देवदार, पाइन, ओक और देवदार के पेड़ होते हैं और फलों के बगीचे भी होते हैं और कई जगहों पर चाय की खेती भी की जाती है। टेरेस फार्मिंग, देखो सीढ़ीनुमा खेत हैं बने हुए, कितने सुंदर लग रहे हैं। ओक का पेड़ है, देवदार का पेड़ है और ये पाइन ट्री दिखाया है। पाइन का कोन्स भी होता है, आप लोग शायद लाए भी होंगे, अगर कोई वैष्णो देवी गया होगा या कोई ऐसी जगह पे गया होगा तो लाया भी होगा सजाने के लिए। द लोअर हिमालय और द शिवालिक रेंज, द शिवालिक रेंज इज द साउदर्न मोस्ट एंड द लोएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस, हैविंग एन एवरेज हाइट ऑफ 900 मीटर टू 1200 मीटर। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ हिल्स। द स्लोप ऑफ दिस रेंज इज कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट विद अ वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, सो दे आर ऑल्सो नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ टिम्बर। बहुत सारा पेड़ है और बहुत तरह के जीव जंतु जानवर भी पाए जाते हैं। डून्स, there are some special scenic valleys in this region called dunes. They lie between Himachal and Shivalik range. जैसे एक example है देहरादून, देखो कितना खूबसूरत सा नजारा है। कभी घूमने के लिए जाओ, ठीक है, enjoy करो। और दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू।